नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के दावे की। दिल्ली में क्या चल रहा है इस पर बात करने से पहले आज के अखबारों पर नजर मार लेते हैं। अमर उजाला अखबार ने पहले पेज पर एक खबर छापी है जिसका शीर्षक है कमजोर नहीं हुई धामी की दावेदारी। इसमें बताया गया है कि हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी रेस में क्यों है। पहली बात, धामी को छोड़कर अन्य जो दावेदार है उनको लेकर किसी की उम्र बाधा बन रही है तो किसी को लेकर संघ तैयार नहीं है। दूसरी बात, धामी के पक्ष में 6-6 विधायक सीट छोड़ने की बात कर चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी को लेकर मीडिया में एक वीडियो भी आया है। इस वीडियो की नज़र से भी इस मामले को देखा जाना चाहिए। इस वीडियो में पुष्कर सिंह धामी अनिल बलूनी के साथ अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। वीडियो में अनिल बलूनी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी को वो रास्ता दिखाते लग रहे हैं। क्या वो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक रास्ता दिखाते लग रहे हैं? इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कॉरिडोर का यह वीडियो बना है वहाँ के वीडियो कम ही मीडिया में आते हैं। वहाँ पर मुलाकात की तस्वीरें भी वही मीडिया में आती है जिसको आना होता है। और रही बात 6-6 विधायकों के पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की, तो अभी तक अरविंद पांडे के अलावा किसी भी ऐसे विधायक का नाम धामी को लेकर सामने नहीं आया है, धामी के समर्थन में सामने नहीं आया है। उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो भाजपा में बहुत ही असरकारी हो, प्रदेश भाजपा में, यानी वो पुराना हो और असरदारी भाजपा ही हो। इसीलिए मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, हो सकता है आज शाम तक कुछ तस्वीर साफ हो जाए, क्योंकि भाजपा की केंद्रीय टीम उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को बनाने में लगी हुई है। और योगी की प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश के समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह सब इसलिए हो रहा है कि कहीं बाबा किसी मनचाहे को मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना ना कर दे। एके शर्मा प्रकरण को हमें भूलना नहीं चाहिए। और रही बात उत्तराखंड भाजपा के बहुत से नेताओं के दिल्ली में जमे होने की, नेताओं की दिल्ली दौड़ की, ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री ही नहीं मंत्री तक दिल्ली से तय होने वाले हैं। इसीलिए हर किसी को अपना अपना दर्द है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं है, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। इसीलिए दिल्ली की ओर भाग रहा है जो, उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो केवल और केवल मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए भाग रहा है, क्योंकि अब उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपने दावे पर नहीं दिल्ली की इच्छा पर बनेगा, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी ही क्यों न हो। यह बात सही है कि अभी तक भी पुष्कर सिंह धामी का दावा सबसे मजबूत बन रहा है। वैसे मेरे हिसाब से धामी के पक्ष और विपक्ष में दो बातें कही जा सकती है। पक्ष में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया है। भाजपा ने 47 सीटें जीती है, दूसरी बार सरकार बनाने का मिथक बनाया है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा मजबूत बनता है, लेकिन उनके विपक्ष में क्या जा रहा है और उनके विपक्ष में अगर क्या है इस पर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी खटी में हार गए। वो भी 2017 में करीब 2700 वोट से जीतने वाले पुष्कर सिंह धामी इस सीट को 6000 से ज़्यादा वोट से हार गए। वो भी उस समय हार गए जब पहले विधायक थे, जीत गए थे और इस समय मुख्यमंत्री थे और नए मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इतना ही नहीं, खटीमा से सटी नानकमत्ता सीट भी हार गए। उनके गृह जिले उधम सिंह नगर में भाजपा वो नहीं कर पाई जो पिछली बार कर पाई थी। भाजपा कमजोर होती दिखी है, इसीलिए वोटर पर उनका निजी प्रभाव वाला जो पक्ष है उनके विपक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। लेकिन एक सच यह भी है कि ऐसे फैसले केवल पक्ष और विपक्ष के आधार पर निर्धारित नहीं होते हैं। उसके पक्ष में क्या जा रहा है, विपक्ष में क्या जा रहा है, इससे निर्धारित नहीं होते, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोबिंग होती है कि इसके पक्ष में कितने असरकारी लोग खड़े हुए हैं। इसके साथ ही भविष्य के गणित महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ पर सांसदी के चुनाव के लिए भी बस 5 सीटें हैं, इसीलिए लोबिंग महत्वपूर्ण है। भविष्य का गणित भी कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चुनाव भी पूरी तरीके से मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है। यह जीत नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की लाभकारी योजनाओं की रही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, एक बात तो है, आज सबसे ज़्यादा नज़रें दिल्ली के फैसले पर लगी हुई है और सभी के दिमाग में धामी है। यह पुष्कर सिंह धामी की जीत है ऐसा मैं मानता हूँ।
और फिर एक बात और गौर करने वाली है, नाम कई सारे चल रहे हैं, दिल्ली में सक्रियता अधिक पुष्कर सिंह धामी की दिख रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ उनकी मीटिंग हुई है। धामी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिले हैं, अनिल बलूनी के साथ उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है। यह सब महत्वपूर्ण है, अब देखते हैं किसका नाम सामने आता है। मेरा मानना है कि जो भी नाम सामने आएगा उस नाम को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन नेता जमे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली तो दरबार है, वहां पर हाजिरी लगाई जाती है, इसीलिए बहुत से तो बस हाजिरी लगाने पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।